हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज नवरात्रि का है 5th डे। मैं तो हमारे यहाँ तो हम लोग नवरात्रि वगैरह नहीं करते, लेकिन हाँ मेरे घर में जो माँ दुर्गा की स्टैचू है, मैं उनको न्यू कपड़ा वगैरह पहना के नहा के उनको जैसे सजाते हैं एवरी डे, मैं उनको सजा लेती हूँ। एंड आज सुबह भी मैंने वही किया था। तो ये देखिए, ये मेरा मंदिर है। तो मंदिर में सारे जो मेरे ठाकुर जी हैं, उन सबको मैंने फूल वगैरह दे के कैसे सजा लिया है। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिम्फनी, आ गए हूँ आज आपके लिए एक शॉपिंग हॉल वाला वीडियो लेके। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ मेरा जो शॉपिंग है वो शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा इस साल का दशहरा का शॉपिंग। तो दशहरा आने वाला है, तो दशहरा में हर कोई अपना शॉपिंग करता है, तो हम लोगों ने भी किया है अपना। और एक बात मैं बता दूँ, अभी कुछ कुछ सामान जो कि आ गया है एंड कुछ कुछ सामान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो डाल ही देती हूँ, क्योंकि 90% आ गया है, बस 10% नहीं आया है। तो वो जब आएगा मैं तब आप लोगों को दिखा दूंगी, है ना। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ मेरी बेटी का शॉपिंग। बेटी के लिए मैंने इस बार वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों ही लिए हैं। तो वेस्टर्न में मैंने वेबसाइट से लिया था उसके लिए, एक मिनट, ये क्रॉप टॉप है वाइट कलर में, आप देख सकते हो वाइट कलर का क्रॉप टॉप है। एंड उसी पैटर्न में क्रॉप शर्ट भी है, वही लाइफस्टाइल से ही मैंने उसके लिए लिया था, उसी ब्रांड का। तो ये क्रॉप शर्ट, ये इसका पैटर्न आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से है। एंड उसके साथ मैंने उसके लिए लिया है ये वाला एक स्कर्ट, डेनिम स्कर्ट है ये। ये मैंने मैक्स से लिया था, इसके पीछे मेरे से पॉकेट्स है एंड फ्रंट में ये जिप है। तो ये एक डेनिम स्कर्ट मैंने उसके लिए लिया था, शॉर्ट स्कर्ट, इट्स नॉट लाइक कि लॉन्ग स्कर्ट है। तो ये हो गया मेरी बेटी का शॉपिंग। उसके बाद आते हैं हस्बैंड के शॉपिंग की तरफ। हस्बैंड के लिए उन्होंने एक्चुअली अमेजोन में उन्होंने अपने लिए कुछ जीन्स वगैरह लिया हुआ है। तो जीन्स उन्होंने दो लिए थे, एक तो उन्होंने पहन लिया है और एक जीन्स है ये, ये है पेपे जीन्स का जीन्स, ये आप देख सकते हो, ये पेपे जीन्स का है एंड ये कलर है उसका। तो ये जीन्स हो गया नेक्स्ट, एंड यूएस पोलो का ये टी शर्ट हो गया, ये सबका हो गया। अभी आते हैं मेरे तरफ जो कि मेरा सबसे ज्यादा है क्या बोलूँगी। तो पहले दिखाती हूँ कुर्तीज के कलेक्शन से। पहला जो कुर्ती है ये है, एक कुर्ती है ये कोटा में है, कोटा कॉटन में ये एक कुर्ती है, सिंपल सा कुर्ती है ये, लेरिया प्रिंट में है ये कुर्ती है। नेक्स्ट उसी कोटा कॉटन में और एक कुर्ती है ये, ये फ्लोरल प्रिंट में है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छा लगा ये, बहुत ही प्यारा सा था ये कुर्ती हो गया। नेक्स्ट एक ड्रेस है, ये मैंने अमेजोन से लिया है, ये जो ड्रेस मैंने लिया है वो अमेजोन से लिया है, ये है चंदेरी सिल्क का कुर्ता शेट है ये, ये देखिए इसका फ्रंट का वर्क आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर ऐसे फुल बॉडी में ऐसे है, एक ए लाइन कुर्ता है देख सकते हो। एंड इसके पीछे में भी आपको अस्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये सिल्क कपड़ा है, चंदेरी सिल्क का कपड़ा है एंड कलर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। एंड इसके साथ आपको मिल जाएगा एक पैंट, ये पैंट आप देख सकते हो, वो पैंट हो गया। एंड
उसके बाद ये है उसका दुपट्टा जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, प्रिंटेड में है। तो ये सब पहन के मैं साइड में फोटो दे दूंगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसा है क्या है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है एंड मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो है साड़ी। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है तो इस बार भी मैंने साड़ी लिया हुआ है। एंड ये जो तीन हो गए ये दशहरा वगैरह में पहनने के लिए, पूजा तीन दिन में पहनने के लिए। एंड ये जो साड़ी मैंने लिया हुआ है ये हमारे यहाँ जो लक्ष्मी पूजा होता है जस्ट दशहरा के 2-3 डेज बाद, तब मैंने पहनने के लिए लिया हुआ है। तो ये रॉ सिल्क की साड़ी है एंड ये ऑनलाइन परचेज नहीं है, ये सिर्फ वो जो मैंने आपको अभी ड्रेस दिखाया चंदेरी सिल्क का वही ही मैंने अमेजोन से लिया है और कुछ भी इस बार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया है। तो ये जो साड़ी है वो है रेड कलर में एंड ये है रॉ सिल्क, ये है रॉ सिल्क साड़ी। एंड इस साड़ी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इसका आंचल, ये एक आंचल, ये पूरा देखिए ब्राइडल ये में है, ब्राइडल नहीं बोलूँगी, यहाँ पर कुछ किंग वगैरह का उनका जो लाइफस्टाइल है वो मेंशन किया गया है, पूरे थ्रेड वर्क में है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। एंड ये है इसका बॉडी एंड ये है इसका आंचल। तो इसके साथ ये है इसका ब्लाउज पीस। तो ये था मेरा पूरा दशहरा का शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग पसंद आया। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।